मित्रों आज मैं आपके समक्ष क्लास 8 सब्जेक्ट एमईडी पाठ 10 योग की पहली सीढ़ी यम इसका क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित हूं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, योग के 8 अंगों के नाम लिखिए। तो उत्तर है योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग के कुछ ये 8 अंग हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा, अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं, इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। उत्तर है कि यह कथन सत्य है कि अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, कर्म से नहीं। जैसे कोई चिकित्सक जब किसी मरीज के रक्षार्थ उसकी सर्जरी चीरफाड़ करता है तो यह अहिंसा कहलाता है। चौथा में देखेंगे कि अस्तेय तथा अपरिग्रह का क्या संबंध है। तो उत्तर देखेंगे, अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना, दूसरे की वस्तु को बिना पूछे नहीं छूना, जबकि अपरिग्रह का संबंध है गलत तरीके से धन संग्रह नहीं करना, आवश्यकता की अतिशयता तक नहीं पहुंचना। क्वेश्चन नंबर पाँच में कह रहा है कि ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है। यहाँ पर मैं मिस्टेक बस 4 नंबर लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है बल्कि यह। तो उत्तर है, ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है कि अपनी इंद्रियों को वश में रखना, अर्थात आँख, नाक, जीभ, त्वचा, कान आदि को वश में रखना। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। तो इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पाठ 11 लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।